अरे बेटा अमित, तू अभी तक सो रहा है? अरे देखो 8 बज गए, उठो जल्दी चलो। क्या हम 8 बज गए? हाँ तो बेटा, मैं कब से जगा रही हूँ तुम्हें। अरे माँ, तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? बेटा मैं तो जगा ही रही हूँ, तुम उठते ही नहीं हो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। अरे बेटा कब से फोन बज रहा है, देख तो ले एक बार। अरे माँ, रीमा का कॉल है, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, मैं उसे बाद में कॉल कर लूंगा, अभी मुझे काम है। अरे बेटा एक बार बात तो कर ले। नहीं माँ, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। अरे चाय तो पीते जाओ। नहीं माँ, मैं ऑफिस में पी लूंगा। अरे सुन तो। अरे ये लड़का भी हर बार अपने काम में बिजी रहता है, एक बार चाय तो पी के जाता। अरे अमित, राहुल तुम यहाँ? अरे यार तुम तो बहुत बिजी हो, मेरी बहन रीमा तुम्हें सुबह से फोन कर रही है, एक फोन नहीं उठा रहे हो उसका। अरे मैं ऑफिस के लिए पहले लेट हो चुका हूँ, हम बाद में बात करते हैं। अरे तुम एक काम करो, आओ तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। अरे पर मैं तो अगर मगर छोड़ो यार, बैठो ना गाड़ी में, आओ चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। थैंक्स राहुल, अरे तुमने तो कॉलेज के दिन याद दिला दिए। अरे उसमें थैंक्स की क्या बात है, मैं तो बचपन से ऐसा ही हूँ। वो क्या है ना अमित, मैं और रीमा बचपन से तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें रोज ऑफिस से घर तक मुझे छोड़ने आना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, पहले अभी से अभी मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। अरे गाड़ी से बाहर निकलो बोला ना मैंने। अरे राहुल मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो सब कुछ छोड़ो, मैंने कहा ना पहले निकलो गाड़ी से बाहर। अरे तुम गाड़ी से नीचे उतरो पहले। अरे राहुल सॉरी यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अमित मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ। वो क्या है ना, गाड़ी में बैठ के बोर हो रहे थे तो सोचा चलो घूमते घूमते बात करें, है ना। ऐसी भी क्या बात करनी है अमित? बात ये है, रीमा तुमसे बहुत प्यार करती है, कॉलेज के टाइम से वो तुम्हें चाहती है, तुमसे शादी करना चाहती है। सच बताओ ना तो मेरी भी बहुत इच्छा है कि तुम दोनों शादी कर लो। लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ शादी हुई थी, लेकिन अब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, और डिवोर्स में रीमा को 10 करोड़ रुपये, बंगला गाड़ी सब कुछ मिला है। आज वो सारी जायदाद रीमा की है। अमित तुम चाहो ना तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और एक सुखी जिंदगी बिताओ। पर राहुल ये सब कैसे पॉसिबल है? अमित ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम एक बार हाँ बोल दो, मैं सब कुछ पॉसिबल कर दूंगा। ठीक है राहुल, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरा सच जान लो। सच? कैसा सच? मुझे ब्लड कैंसर है। व्हाट? हाँ आखिरी स्टेज पर, न जाने किस गली में आखिरी शाम हो जाए, पर रीमा मेरा साथ देगी तो सब ठीक हो जाएगा। व्हाट अमित क्या बकवास कर रहे हो तुम? रीमा की जहाँ पहले शादी हुई थी ना, वो भी कैंसर का ही मरीज था, और रीमा को उसकी सेवा ना करनी पड़े ना, इसलिए मैंने खुद उसका डिवोर्स करवाया है, और फिर से मेरी बहन को मैं ऐसी जिंदगी में डालू। आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता कि रीमा तुमसे शादी करे, समझे? और आइंदा मेरा और रीमा का कभी कॉन्टेक्ट भी मत करना, बाय। कैसी हो माँ? आ गया बेटा। हाँ अरे बेटा तुझे वो मेहता अंकल याद है? मेहता अंकल? हाँ वही जिसने पापा के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी थी। हाँ हाँ वही, उसकी बेटी आरती का रिश्ता तेरे लिए आया है। माँ उसके साथ रिश्ता जोड़ के हम क्या करेंगे, आज हमारी जो भी हालत है उसकी वजह से तो है। देख बेटा गुजरी सब बातों को भूल जा, सुन जल्दी से फ्रेश हो जा, आरती आती ही होगी। आती ही नहीं होगी आंटी, मैं आ गई। हेलो अमित, हेलो आंटी। अरे आओ बेटा, हम तुम्हारे ही बात कर रहे थे। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूं। नहीं नहीं आंटी आप बैठो ना, मुझे ऑलरेडी यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है।
चलो ना अमित, हम बाहर जाकर बात करते हैं। हाँ बेटा, तुम और आरती बाहर गार्डन में जाके बात करो। ठीक है माँ, आओ आरती। याद है अमित तुझे, हम बचपन में इसी गार्डन में खेला करते थे, पता है कितना मजा आता था। चलो ना यहाँ पर जाकर बैठते हैं। बचपन की बात अलग है, तब जिंदगी आसान थी। और अब जो भी, तुम्हारे पापा ने जो भी किया हमारे साथ, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अमित तुम बैठो यहाँ पर, मैं उसी सिलसिले में तुमसे बात करने यहाँ पर आई हूँ। बैठो। क्या बात करनी है? बैठो तो सही, बताती हूँ ना तुम्हें। देखो अमित, पापा ने तुम लोगों के साथ जो भी किया है, उसके गुनाह की सजा उसे मिल चुकी है। उसे महीने पहले ही पैरालिसिस हुआ है। क्या? हाँ, अब उसके पैर ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं, और वो बेड पर है। और मैंने सोचा और पापा ने मुझसे बात की इसके बारे में कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो फिर वो सारी प्रॉपर्टीज, सारी कंपनीज सब तुम्हारे नाम कर देंगे, और जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। क्या? हाँ अमित, अब पापा के पैर ठीक से काम नहीं कर रहे, वो टोटली बेड रेस्ट है। और पापा ने मुझसे बात करके ये डिसाइड किया है कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो जो कुछ भी तुम्हारा पापा ने ले लिया था वो सब, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे। अच्छा। हाँ, पर उसके लिए पापा की एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करके हमारे घर, हमारे साथ घरजमाई बनकर रहना होगा। देखो सोच लो अमित, हमारी कंपनी हर साल 100 करोड़ के मुनाफे में जाती है, तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम एक सच जान लो। सच? कैसा सच? मुझे ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज पर, न जाने किस गली में आखिरी शाम हो जाए। व्हाट? तुम्हें ब्लड कैंसर है? हाँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऑलरेडी एक तो पापा बेड रेस्ट है, उसका बोझ उठाते उठाते मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए तो तुमसे शादी कर रही थी। और ऊपर से एक और मरीज की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। मगर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं अमित, प्यार अपनी जगह और समझदारी अपनी जगह, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बाय। मेरी बात तो सुनो, मुझे पता ही था। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने मुझे अर्जेंट बुलाया, कुछ काम था? हाँ अमित, ये लो तुम्हारी सैलरी और इंसेंटिव का चेक। मगर मैडम। देखो अमित, मैंने सबको उनकी सैलरी और इंसेंटिव का चेक दे दिया था, तुम लेट आए तो तुम्हें अब दे रही हूँ। सॉरी मैडम, अब से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तुम्हें पता है अमित, जब से तुम हमारी ऑफिस में आए हो तब से हमारी कंपनी काफी प्रॉफिट करने लगी है, और एक साल में तो हमारी कंपनी का मुनाफा 2 गुना हो चुका है। थैंक यू मैडम। अमित सोचो, तुम कंपनी के मैनेजर होके कंपनी को इतना प्रॉफिट दे सकते हो, तो जब तुम कंपनी के मालिक हो जाओगे तो तुम कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचा दोगे? लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। देखो अमित, जब से तुम ऑफिस में आए हो मैं तब से तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम पर अपनी माँ की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, पर आज से ये सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ, ये जो सब कुछ है ये सब कुछ मैंने अपने बलबूते पर हासिल किया है, लेकिन कभी माँ का प्यार नहीं पाया। क्या तुम्हारी माँ मेरी माँ बनकर रहेगी? ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। कैसा सच? मुझे ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज पर, न जाने किस गली में जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और हाँ कुछ नहीं होगा तुम, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ये सच जानने के बाद भी आप मुझसे शादी करना चाहती? हाँ मुझे मंजूर है,
ठीक है तो फिर आज शाम को मेरी माँ से घर पे मिले आ जाना, अगर उन्होंने आ कर दी तो फिर ठीक है। ओके, अगर माँ ने मुझे अपना लिया तो फिर आप? मैंने तो अभी से आपको अपना लिया है। ठीक है तो फिर चलो, आप अपना काम कीजिए, मैं शाम को आपको घर पे मिलती हूँ। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ। आरती कहाँ गई? वो तो रुट कर चली गई। रुट के चली गई? अरे पर क्यों? ऐसा क्या कह दिया तुमने? माँ 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 शांति रखो, मैं तुम्हें शुरू से सब बताता हूँ। अरे जो भी है साफ साफ बता, क्या हुआ? माँ आज मुझे शादी के तीन तीन रिश्ते मिले। अरे तीन तीन रिश्ते? हाँ माँ, पहला रिश्ता रीमा का था। सुनो, फिर दूसरा रिश्ता मेरी बॉस सीमा का। और तीसरा रिश्ता? तीसरा रिश्ता आरती का। अच्छा तो इसीलिए आरती रुट कर चली गई। अरे कमाल है, आज तो तुम पे किस्मत पूरी तरह से मेहरबान हो गई। पागल, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, फिर ये बीमारी का ड्रामा क्यों किया? इन तीनों लड़कियों को परखने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया। रीमा को एंजॉयमेंट करने वाला पति चाहिए था और आरती को पति के रूप में नौकर चाहिए था। वो दोनों सिर्फ मुझसे सच्चे प्यार का नाटक कर रही थी। सिर्फ करिश्मा ऐसी लड़की थी जो सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने करिश्मा को आज शाम को घर पे बुलाया। वो बस आती ही होगी। आती होगी? मैं तो आ गई अमित। अरे बेटा खुश रहो बेटा। करिश्मा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। यही ना कि तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है। तुम्हें कैसे पता? अरे बुद्धू, पिछले हफ्ते ही तो ऑफिस में ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ था, वहाँ पे तुमने ब्लड डोनेट किया था और दूसरों से भी करवाया था। अब जिसे कैंसर हो वो तो ब्लड डोनेट करेगा नहीं। और हाँ, तुम्हारी सारी हेल्थ कंडीशन मुझे पता है। वाह बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो। देख, मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। सच में? हाँ बेटा। और सुन, तू मेरी बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रहेगी। अंत भला तो सब भला।